देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा है, ये भी नवोदय में आता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ का मतलब क्या होता है? लंबाई। कौन बच्चा जानता है लेंथ का मतलब होता है? लंबाई। क्या होता है? ब्रेथ का मतलब होता है चौड़ाई। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। ये तीन चीजें हैं, ध्यान से समझ लेना, आपसे पूछूंगा अभी। तीन चीजें दिए सर। ऑफ आ कार्टून 10 सेंटीमीटर इच, ये 10 सेंटीमीटर, तीनों कितनी है? फाइंड द वैल्यू ऑफ कार्टून। डिब्बा है कोई, उसका यानी क्या बनाना निकालना है तुम्हारे लिए? वॉल्यूम सोल्यूशन। डिब्बा इस तरीके से देखो, छोटा करो थोड़ा, ये डिब्बा है इस तरीके का, इसकी लंबाई कितनी दी है? 10, चौड़ाई 10, ऊंचाई 10, सब 10 10 दी है। कितनी कितनी दी है? हाँ सब नहीं, ईच ईच का मतलब प्रत्येक, सभी भुजाएं बराबर हैं 10 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई दी है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, ऐसे दिए। अब अंदाजा लगा लो, ऐसी आकृति जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती है उसे घना बोलते हैं। फार्मूला दोनों का एक सा, तो इसका यानी तीनों भुजाएं बराबर है, तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ कार्टून बराबर, हिंदी में हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भुजा या साइड, भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, तीनों भुजाएं एक सी हैं। टेन इंटू टेन इंटू टेन, ये हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर। थैंक यू वेरी मच।